हेलो दोस्तों, मैं हूं रेत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीरियल मैं मायके चली जाऊं की के बारे में। दोस्तों, ये सीरियल काफी ज्यादा शानदार चल रहा है और इसके लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि जया को पता चल जाता है कि विकी चाचू की शादी कराना चाहता है समर सत्या देवी से। और ऐसे में अब आने वाले एपिसोड बेहद ही शानदार होने वाले हैं, क्योंकि जहां पर अब तक समर इनकार कर रहा था सत्या देवी की शादी कराने के लिए, लेकिन अब जहां पर जया को पता चल गया कि वे राजी हुआ था क्योंकि वे कराना चाहता है सत्या देवी और विकी चाचू की आपस में शादी, तो ऐसे में अब जया तो मान जाएगी इसके लिए। लेकिन वहीं पे अब सत्या देवी आने वाले एपिसोड्स में मना कर देगी, इस शादी से इनकार कर देगी सत्या देवी। तो ऐसे में जया और समर मिलके करने वाले एक नई प्लानिंग, और वहीं पे विकी चाचू देंगे उसका इसमें साथ। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि उसमें वे लोग करेंगे कुछ ऐसा कि सत्या देवी को सारी तरफ नजर आएंगे केवल विकी चाचू यानी विकी जी। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछला एपिसोड हमने काफी शानदार लगा, काफी ज्यादा कॉमेडी से भरपूर था, जिसमें सत्या देवी ने इनकार कर दिया था शादी करने के लिए। लेकिन आने वाले एपिसोड में जहां पर अब वह एक ऑप्शन रखेंगे कि सत्या देवी शादी कर सकती है विकी चाचू से, लेकिन वह मना कर देगी। ऐसे में वह सब मिलकर प्लानिंग बनाएंगे और सत्या देवी को चारों तरफ नजर आएंगे केवल विकी चाचू। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार से ये सब करते हैं जया और समर। लेकिन दोस्तों, जहां पर मैं बता दूं कि ऐसा होने पर अगर सत्या देवी सीरियल में हाँ कर भी देती है शादी के लिए, तो एक और नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा होगा समर और जया की लाइफ में। क्योंकि मैं बता दूं कि सीरियल के आने वाले एपिसोड में जया के फादर यानी सत्या देवी के एक्स हस्बैंड भी फिर से लौटने वाले सीरियल के अंदर। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि जहां पर अब सत्या देवी सीरियल में हाँ कर देगी विकी चाचू से शादी करने के लिए, लेकिन बाद में उनके पति एक्स हस्बैंड फिर से लौट आएंगे। ऐसे में नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी विकी चाचू के सामने, और उसके बाद वे एक कैंसर का नाटक करेगा, उस यानी सत्या देवी का पति जो है वह कैंसर का नाटक करेगा कि उन्हें कैंसर है। ऐसे में वे इमोशनल करने की कोशिश करेगा सत्या देवी को, लेकिन वहीं पे विकी चाचू को पता चल जाएगा कि ये सब एक ढोंग है, उसे कोई भी कैंसर वगैरह नहीं है। ऐसे में विकी चाचू के लिए अब और भी मुसीबतें खड़ी होने वाली है, और वह इससे कैसे निकलते हैं ये तो आने वाले एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आई थिंक दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और पता चल गया होगा कि आने वाले एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं और आने वाले ट्विस्ट क्या शानदार होने वाले हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में बताइए कि आपको आने वाले एपिसोड की कितनी एक्साइटमेंट है, और आपको सीरियल में सृष्टि जैन यानी जया और नमिष तनेजा यानी समर की एक्टिंग कैसे लग रही है, और आपका सीरियल में फेवरेट कौन है। दोस्तों, कमेंट में जवाब देना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।